अभिनेत्री कृति सैनन, अभिनेता आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव स्टार है फिल्म बरेली की बर्फी ने शुक्रवार को अपनी रिलीज के पहले दिन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर अच्छी शुरुआत की। फिल्म की टीम की ओर से जारी एक बयान के अनुसार फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और इसने शुक्रवार को 2.42 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म बरेली की बर्फी का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है। हास्य व रोमांस से भरपूर इस फिल्म का निर्माण जंगली पिक्चर्स और बीआर स्टूडियोज ने किया है। यह पहली बार है जब कृति, आयुष्मान और राजकुमार ने साथ काम किया है। कृति ने इससे पहले कहा था क्योंकि वे इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, उनका चरित्र के प्रति दृष्टिकोण लगभग एक जैसा होता है। इससे मुझे अपने बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिली। फिल्म की कहानी बीटी मिश्रा, कृति सेनन नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो बरेली में रहती है, ब्रेक डांस करती है और सिगरेट पीती है। इन्हीं कारणों से उसकी शादी में कई अड़चनें आती हैं जिससे उसके माँ बाप काफी परेशान हैं। वहीं राजकुमार और आयुष्मान में बेटी का जीवन साथी बनने की होड़ है। अब आखिर में बेटी का दिल कौन चुरा के ले जाएगा, यही है फिल्म का क्लाइमैक्स। अश्विनी अय्यर तिवारी इससे पहले निलबटे सन्नाटा का निर्देशन कर चुकी हैं। निलबटे सन्नाटा में प्रिंसिपल का किरदार निभा चुके पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में कृति सेनन के पिता के किरदार में हैं। फिल्म वैसे तो इस हफ्ते अकेली बड़ी रिलीज है, लेकिन पिछले शुक्रवार आई अक्षय कुमार की टॉयलेट इल्क प्रेम कथा इसे अभी भी टक्कर दे सकती है। वहीं अगले हफ्ते यानी 25 अगस्त को सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिज डॉलर जेंटलमैन फिल्म लेकर आ रहे हैं, तो अगले हफ्ते फिल्म का टिक पाना मुश्किल हो सकता है।